व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि स्पेशल रेसिपी आज बना रहा हूँ, फराड़ी पैटिस। अब इसे बफ वड़ा भी कहा जाता है, व्रत की आलू टिक्की कह लो। होता सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक आलू का मिक्सचर बनता है और उसके अंदर एक बहुत ही खट्टी मीठी चटपटी सी फिलिंग डलती है और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी वड़ा बनता है और बहुत ही डिलिशियस लगता है। अगर ये व्रत नहीं हो, फास्ट नहीं हो, तभी भी मुझे बनाकर खाने में बहुत मज़ा आता है। साथ ही में एक स्पेशल चटनी है जो ये स्पेशल पैटिस के साथ सर्व की जाती है, शेंगदाने और दही डालकर, और वो चटनी के साथ खाने में इसका मज़ा और डबल हो जाता है। तो ये दोनों रेसिपीज़ आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले ये पैटिस कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। 5 से 6 मीडियम साइज़ के बॉयल्ड आलू ले लिए हैं मैंने। अब एक बड़ी सी परात में से अपने हाथों से ही लाइटली मैश करके ऐड कर रहा हूँ। अब एक पोटैटो मैशर को यूज़ करके इसको अच्छे से मैश कर लेना है जब तक कि इसमें कोई बड़ी बड़ी गुठलियाँ नहीं रह जाती हैं। एक बार इसको आपने अच्छे से मैश कर लिया है तब इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक ऐड करना है। ये सेंधा नमक इसमें ऐड कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर बाइंडिंग ऐड करने के लिए यहाँ पर आज मैं आरारोट का पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। लगभग 5 से 7 टेबलस्पून आरारोट का पाउडर इसमें जाएगा, लेकिन इसको बैचेस में ऐड करना है। तो 2 टेबलस्पून आरारोट पाउडर इसमें ऐड कर दो। अभी अच्छे से इसको पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मिक्स करना है धीरे धीरे। फिर इसमें और आरारोट पाउडर आपको ऐड करना है और फिर हाथों से ही अच्छे से इसको साथ में कंबाइन करना है जब तक कि ये परात को अच्छे से छोड़ नहीं देता है और ये जो मिक्सचर है वो स्टिकी नहीं रहता है। टोटल मैंने आज इसके अंदर 6 टेबलस्पून आरारोट का पाउडर ऐड किया है और मेरे को एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल गई है। आप चाहें तो इसमें 1-2 टेबलस्पून और आरारोट मिला सकते हैं अगर ये फिर भी आपको स्टिकी लग रहा है तो। अभी हमारे आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको ढककर साइड पे रख दो, तब तक फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 नारियल को किस के ले लिया है, साथ ही मैं इसमें 1/2 उबला हुआ आलू ऐड कर रहा हूँ। तो जब भी आप आलू का मिक्सचर बनाएंगे थोड़ा सा साइड पे रख देना इस स्टेज के लिए। अब इसके अंदर 1/4 कप चॉप किए हुए काजू, 1/2 कप रोस्टेड और चॉप किए हुए पीनट्स, 1/4 कप किशमिश, 1/2 टीस्पून सौंफ, 3 हरी मिर्च और 1 छोटा अदरक के टुकड़े की पेस्ट, 2 टीस्पून नींबू का रस, टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दो और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लो। फिलिंग जो आपकी है मिलाने के बाद कुछ इस तरीके से जुड़नी चाहिए। अगर ये जुड़ नहीं रही है तो इसके अंदर हल्का सा आलू आप और मिक्स कर सकते हो। तो हमारी अभी जो फिलिंग है वो एकदम परफेक्टली रेडी हो गई है। अब इस फिलिंग के छोटे छोटे आपको बॉल्स तैयार करने हैं, इसको ऐसे शेप दे देना है। इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लीजिए और सारी फिलिंग को इसी तरीके से आप छोटे छोटे बॉल्स का एक आकार दे दीजिए। अब इस फिलिंग के ऊपर हमें एक लेयर जो है आलू के मिक्सचर की लगानी है। तो ये फिलिंग से हल्का सा बड़ा आलू का मिक्सचर आपको इस तरीके से गोल करके शेप कर लेना है। तो आप जब कंपेयर करोगे तो आपका फिलिंग का जो बॉल होगा उससे जो आलू का बॉल होगा वो हल्का सा इस तरीके से बड़ा होगा। तो ये आपने सेटअप एक बार तैयार कर लिया है, उसके बाद आलू का मिक्सचर ले लीजिए और अपने हथेली के ऊपर इस तरीके से इसको फ्लैट कर दीजिए। अब इसके अंदर फिलिंग वाला बॉल रखिए और इस तरीके से एकदम धीरे से, एकदम हल्के हाथों से आपको इसको पूरी तरीके से कवर कर लेना है आलू के मिक्सचर से और फिर अपने दोनों हाथों को यूज़ करके इस तरीके से प्रेशर देते हुए और गोल घुमाते हुए आपको एकदम अच्छे से गोल पैटिस तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट राउंड पैटिस बन गया है। अगर आप टिक्की तैयार कर रहे हो तो इसको आप इस स्टेज पर फ्लैटन आउट भी कर सकते हो। उसके बाद इसे हमें हल्का सा आरारोट पाउडर से कोट करना है। एक प्लेट में इस तरीके से थोड़ा आरारोट पाउडर डालकर पैटिस को आप लाइटली कोट कर लीजिए। एक बार आपने इसे कोट कर लिया तो अपने हाथों में इस तरीके से घुमा के एक्सेस जो आपका आरारोट पाउडर है वो निकाल लीजिए। इसी तरीके से अपने सारे पैटिस आपको तैयार कर लेने हैं। अब इन पैटिस को फ्राई करने के लिए अच्छा खुला तेल ले लीजिए और उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। आपका तेल लगभग 160 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए, यानी कि मॉडरेटली हॉट होना चाहिए और मीडियम हाई फ्लेम पर इन पैटिस को आपको तलना है। एक बार आपका तेल गर्म हो जाए तो लगभग 4 या 5 पैटिस आप गर्म तेल के अंदर केयरफुली धीरे धीरे ऐड कर दीजिए। पैटिस को तेल में डालने के बाद लगभग 1 मिनट तक आपको बिल्कुल भी इसे स्टर नहीं करना है, बिल्कुल भी करछी नहीं चलानी है, नहीं तो आपके पैटिस जो है वो टूट जाते हैं। ये बात का आपको ध्यान देना है। 1 मिनट के बाद एक चम्मच ले लीजिए और चम्मच की मदद से ऐसे धीरे धीरे इसको गोल घुमाइए, जैसे हम करछी चलाते हैं उसी तरीके से केयरफुली गोल गोल घुमाते रहिए ताकि आपके जो पैटिस हैं वो घूमते रहें और सारे बाजू से इसको बराबर से कलर आए। इस तरीके से आपके जो पैटिस हैं वो फटेंगे नहीं और सब तरफ से एकदम परफेक्टली इसमें कलर आएगा। अब इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपको तल लेना है। तो आप देख सकते हो हमारे जो पैटिस हैं एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए और एकदम क्रिस्प हो गए हैं। इस स्टेज पर इन्हें तेल से निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफर कर दीजिए और एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने दीजिए।
तो ये वाले जो पेटिस बनते हैं बहुत ही डिलिशियस बनते हैं, और इसकी जो फिलिंग है ना वो तो माइंड ब्लोइंग बनती है। अगर समझो व्रत में नहीं बना रहे हैं तो इसमें एक दो चेंजेस ये कर सकते हो कि नमक आप सादा यूज़ कर सकते हो, और एरोरूट पाउडर की जगह पर आप इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड कर सकते हो। व्रत में कॉर्नफ्लावर नहीं खाया जाता है इसलिए आरारोट यूज़ किया है। अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हो तो कॉर्नफ्लावर और नमक आप नॉर्मल वाला यूज़ कर सकते हो, सेम पेटिस बनते हैं। तो पेटिस कैसे बनते हैं वो तो मैंने आपको बता दी एकदम परफेक्टली। इसके साथ एक चटनी आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है पेटिस का और चटनी का एकदम परफेक्ट लगता है। चटनी कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर जार में एक कप ताज़ा धनिया, 2 से 3 टुकड़े नारियल के, 1/3 कप रोस्टेड पीनट्स, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 टीस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून नींबू का रस, और टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक। ये सारी चीज़ों को अब एक साथ ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से, जब तक कि एकदम फाइन चटनी नहीं तैयार हो जाती। अगर आपको ऐसे लगे कि पानी डालने की थोड़ी ज़रूरत है तो आप धीरे धीरे थोड़ा पानी डालकर इसको एक फाइन चटनी में पी सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने एकदम फाइन तरीके से चटनी को पीस लिया है, और हमारी फरारी स्पेशल चटनी रेडी हो गई है। सो लेट्स प्लेट आवर फरारी पेटिस वाईएफएल स्टाइल। फ्राई पेटिस और साथ में स्पेशल वाली चटनी ज़रूर बनाइए नवरात्रि के टाइम पे। और मेरे चैनल पर काफ़ी सारी नवरात्रि की और सारी रेसिपीज़ हैं, नो अनियन नो गार्लिक रेसिपीज़ हैं। एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, ताकि आप और भी रेसिपीज़ नवरात्रि के टाइम घर पर आसानी से बना पाएँ और इन्जॉय कर पाएँ। तो ये वाली रेसिपी और बाकी सारी भी रेसिपीज ट्राई कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Ferrari Pettis recipe at your home. Happy Navratri to all of you.